नाभिक का जो आवेश होता है यानी जो चार्ज होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमने कल बताया था आपको कि नाभिक में जो आवेश होगा, जो चार्ज होगा, वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के, ठीक है, प्रोटॉन के आवेश के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, क्या होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना क्या होगा, अधिक होगा। ये जो प्रोटॉन दिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, जैसा कि हमने बताया था कि प्रोटॉन में आवेश होता है और द्रव्यमान होता है, ठीक है, तो उसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, किसके, इलेक्ट्रॉन के 1837 गुना ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन ना आप लोग का पूछा गया है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में, यहाँ पे ये VVI करके इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया और बार बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कूलाम के नियम के अनुसार विपरीत आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसे बन सकता है कि किसके नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विपरीत कणों के बीच मध्य आकर्षण बल प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट है अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी क्या करता है, कक्षाओं में गति करता है, यानी कि ये क्या करता है, भ्रमण करता है अपनी कक्षा के अंदर, किस बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ था, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में किस बल के कारण गति करती है, भ्रमण करती है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, ये इसमें से मेन पॉइंट क्वेश्चन का दिया हुआ है, इसको आप लोग 100% नोट डाउन कर ही लेना और याद रखना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो गति करता है वो इलेक्ट्रॉन, वो गति कितने तरह के होते हैं, तो वो गति दो तरह के होते हैं, पहला होता है चक्रण यानी कि स्पिन स्पीड होता है, दूसरा होता है कक्षीय गति, ऑर्बिटल स्पीड होता है, ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए, वैसे ये आप लोग कर ही लिए होइएगा कल। आगे बढ़ते हैं हम इससे, जो लोग नहीं नोट डाउन किए होंगे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट दूसरे पेज पे, यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये पॉइंट कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, पिछला हमने देखा था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, बस इसका आंसर लिखना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके, कंपाउंड के रासायनिक और विद्युतीय गुणधर्म को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है रासायनिक और विद्युतीय गुणधर्म, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था कि जो यौगिक है, जो कंपाउंड है, उसके गुणधर्म को यानी उसके रासायनिक और विद्युतीय गुणधर्म को कौन जो है वो प्रदर्शित करता है या रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या होगा यहाँ पे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो यौगिक के यानी कि कंपाउंड के रासायनिक और विद्युतीय गुण को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जहाँ पे कंपाउंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहाँ पे वो क्या करेगा, एक निष्क्रिय के भांति रहेगा, उसमें कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं, वे तत्व जिनके बाहरी कोष में, अभी यहाँ पे रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हमने ये सारा पॉइंट आपको पहले ही पढ़ा चुका है कि बाहरी कोष क्या होता है, बाहरी कोष में क्या क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये सब हमने बताया है, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन का ये आंसर हमने यहाँ पे डाल दिया है आप लोग के लिए, ये सारी जो नोट पॉइंट है ये VVI है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वे तत्व जिनके बाहरी कोष में, ठीक है, बाहर का जो कक्षा होगा वहाँ पे एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होंगे, एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वह विद्युत का अच्छा चालक होगा, ठीक है, विद्युत का अच्छा चालक होगा, चालक को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ
आउटर सेल इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है ओके। अभी तो यहाँ पे बोल रहा है कि वे तत्व जिनके बाहरी कोष में, ठीक है, जो आउटसाइडर सेल आपने जो लिखा है जस्ट उस वही कि बाहरी कोष में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि एक या दो इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि उसका जो बाहरी कोष, जो बाहरी कोष होती है, जो बाहरी सेल होती है, उसमें जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, विद्युत धारा उतना आसानी से क्या करेगा, प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हम समझा रहे थे आपको कि अच्छे चालक होते हैं, मतलब कंडक्टर एकदम प्योर होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होगा, प्योर इंडक्टर उतना अच्छा वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका एराइज हो जाएगा कि ये बताइए कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होनी चाहिए, नन ऑफ दिस। तो आप इसमें क्या फील करोगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक या दो होनी चाहिए बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी अच्छे चालक वो होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कक्षीय ऊर्जा के बारे में, ऑर्बिट एनर्जी। अब ये ऑर्बिट एनर्जी क्या होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑर्बिट एनर्जी के बारे में, कक्षीय ऊर्जा के बारे में। भुवन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कक्षीय ऊर्जा यानी ऑर्बिट एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है, ऑर्बिट एनर्जी में क्या क्या होते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसका जो बाहरी कक्षक होता है यानी कि आउटर जो सेल होते हैं उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज हो गया आपका कि ऑर्बिट एनर्जी के बाहरी सेल में ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, या होती ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा कम होती है, कहाँ पे, ऑर्बिट एनर्जी के बाहरी सेल में, ठीक है। इसका क्या होगा, ऑर्बिट एनर्जी के बाहरी सेल में ऊर्जा कम होती है। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, इसका जो हाई परमाणु क्रमांक होता है, हाई का मतलब हो जाएगा कि जब ये बहुत पीक लेवल पे रहेगा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन सॉरी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हाई प्रवाहित होगा वहाँ पे, उसका परमाणु क्रमांक के तत्व की ऑफ एनर्जी, जब हम लोग एक सर्किट ड्रॉ करेंगे, सर्किट में से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहाँ पे क्या होगा, विद्युत धारा हाई लेवल में होगी और उसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक के तत्व की जो ऑफ एनर्जी रहेगी, ठीक है, वो क्या होगी, अधिक होगी। ऑफ का मतलब है कि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे लूप के बारे में तो ये इस तरह से लूप होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो करेंट होती है, करेंट आई, ये कहाँ से अंदर के तरफ प्रवाहित होगी, ठीक है, ये आय धारा होगी, ये क्या करेगी, इसी लूप के अंदर ये चलती रहेगी, ठीक है। अब ये लूप के अंदर जो चलेगी तो ये वाला जो इसका एनर्जी होगा यानी इसको जो क्लोज लूप कहते हैं उसी का ऑफ एनर्जी इसमें क्या होगा, हाई होगा यानी कि अधिक होगा, ठीक है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ये अभी बेसिक है इसलिए हमने आपको पूरा पॉइंट बस डिस्कस कर दिया है। आगे यहाँ पे चलेंगे नीचे, अभी बोल रहा है कि ठोसों में बंधन, हमने कल बोला था कि जो ठोस होते हैं उसमें एक बॉन्ड होता है, अभी उसी बॉन्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे। पहला बंधन होता है आयोनिक बॉन्ड, क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, इसमें तीन तरह का बॉन्ड होता है ठोस में, पहला आयोनिक बॉन्ड होता है, दूसरा कोवेलेंट होता है और तीसरा मेटालिक बॉन्ड होता है। पहला फिर से याद रखिएगा कि यहाँ पे नाम अगर पूछा तो पूछा, अगर ऐसे पूछ देगा कि ठोस में कितने तरह के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तीन तरह के होते हैं। अगर उसमें से नाम पूछ दिया कि कौन कौन से हो सकते हैं, अगर ये पूरा ऑप्शन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई भी एक ऑप्शन अगर आपका देता है तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन पूछता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट होता है, मेटालिक होता है, तो ये तीनों होता है किसमें, ठोस में, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग। हो गया, आगे बढ़े क्या,
सब लोगों को समझ में आ रहा है? कोई कन्फ्यूज़न हो तो चैट कर लेना, वैसे आप लोगों को कॉल किया जाएगा तो जो भी प्रॉब्लम्स होगी शेयर करिएगा, तो फिर इसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। कभी कभी टेक्निकल इशू के वजह से ना भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। चलिए कोवेलेंट सॉरी आयोनिक बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने आयोनिक बॉन्ड में डाला है कि ये क्या होता है। सबसे पहला आयोनिक बॉन्ड का पहला पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें बोला गया है कि आयोनिक बॉन्ड, कौन सा आयोनिक बॉन्ड, दो विभिन्न परमाणुओं यानी कि एटम के बीच होता है। ये जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो किसके बीच में होता है, तो दो विभिन्न परमाणुओं यानी एटम के बीच होता है। तो इसका क्वेश्चन आप बना सकते हो कि आयोनिक बॉन्ड किसके बीच होता है या किसके बीच किया जाता है, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड हमेशा दो विभिन्न एटम के क्या होगा, बीच होगा। किसके बीच होगा, दो विभिन्न, यानी कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपको सेम भी देखने को मिलेगा, हो सकता है कि नीचे कोवेलेंट है और उसमें ये सब में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट रखिएगा आयोनिक बॉन्ड में हमेशा परमाणु क्या होगा, अलग अलग तरह का होगा, सेम परमाणु नहीं होगा, ठीक है। उसके बीच में क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। दूसरा आपका पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में पूर्ण रूप से स्थानांतरित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा सबको, इसमें बोला है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहरी कक्षा में होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जब वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में पूरी तरीके से, मतलब उसमें क्या होगा कि बीच में थोड़ा सा भी कुछ भी उसका बचेगा नहीं, छूटेगा नहीं, ठीक है, वो एकदम प्रॉपर तरीके से जितना एक जगह से उठा है प्रॉपर दूसरे जगह उतना ही जाके क्या करेगा, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये पूर्ण तरह से पूरी तरीके से स्थानांतरित ट्रांसफर हो जाए दूसरे जगह पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सारा पूछा हुआ है और याद रखिएगा कि पूर्ण तरह से कौन, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में ट्रांसफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आपको सबको पता है कि ठोस का बॉन्ड वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, क्या होता है, यह बहुत मजबूत होता है। यहाँ पे एग्जांपल हमने दिए हैं NaCl प्लस यहाँ पे इक्वल टू NaCl। तो आपको पता है कि Na का मतलब क्या होता है, सोडियम होता है, और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। तो सोडियम का परमाणु और क्लोराइड का परमाणु एक दूसरे के साथ क्या करेगा, मैच करेगा, एक दूसरे के साथ स्थानांतरित अपनी एनर्जी को करेगा, और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा सोडियम क्लोराइड, ओके। आइए इसमें हम फिगर के थ्रू समझते हैं, ठीक है। इसका फिगर दिया हुआ है, हमने सबसे पहले बोला था कि आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने आप को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ है कि आप देख रहे हो कि इसमें जो एटम है, ठीक है, ये जो एटम है वो किस चीज़ का बना हुआ है, मेटल का। आप लोग को दिखाई दे रहा है मेटल लिखा हुआ, दिख रहा होगा, चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या है, नंबर वन एक परमाणु है जो कि क्या है, एटम है, ओके। ये जो एटम है, ठीक है, एक अपने जगह पे है, और दूसरा एटम है वो क्या है, नॉन मेटल का है। मतलब कि हमने आपको बताया था कि जब दो परमाणु विभिन्न तरह का होता है, अलग अलग तरह के होंगे, तभी ये दोनों क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो पहला एटम आपको दिख रहा है मेटल का है, और दूसरा एटम दिख रहा है नॉन मेटल है, ठीक है। तो दो विभिन्न तरह के हो गए। अभी क्या किया है, इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के अंदर क्या किया है, ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। अभी ये ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों एक साथ मिल गया है, और यहाँ पे आके इन्होंने क्या बना दिया है, आयोनिक, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बना दिया, आयोनिक। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि ये पूरी तरीके से क्या होगा, एक दूसरे के साथ मिलेगा, ठीक है। तो एक नया चीज़ बनेगा, मतलब एक नया रिएक्शन बन जाएगा, ठीक ना।
अभी यहाँ नीचे आते हैं, इन हमने थोड़ा सा ऐसे इंटरटेन के लिए ना एक इमोजी डाल दिया है। बाय द वे यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यू कैन हैव इट, ठीक है। अभी एक इमोजी है जो कि Na है, सोडियम है। अभी इन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? तो इन्होंने अपना मुंह लटका के बेचारा क्या बोल रहा है यार, कि मुझे तो चाहिए ही, दे तो दो ऐसे, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है, आई नीड वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। अभी ये बोल रहा है अगर तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन हमें दे सकते हो तो यहाँ पे मेरा जो परमाणु है वो पूरा का पूरा क्या होगा, मेकअप हो जाएगा, पूरा का पूरा मेरा ये जगह स्पेस खाली है, भर जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी हेल्प ले रहा है। अभी ठीक है, अभी ये बोला कि ठीक है चलो दे ही देते हैं। अभी इन्होंने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को इसके साथ में शेयर कर दिया, ठीक है। अभी इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर दिया और यहाँ पे एक नया पदार्थ बन गया, ठीक है। इसमें कोई समझने में दिक्कत, कोई परेशानी, आप चाहो तो ये फिगर भी, ऊपर वाला जो फिगर है ऐसे तो ये इमोजी टाइप का है, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने ऐसे समझाने के लिए दिया था। ये ऊपर वाला और आपका जो लिखा हुआ है नोट डाउन कर लीजिए। सबको आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आगे बढ़ेंगे और इसके दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं। दूसरा आपका है कोवैलेंट, कौन सा है? पहला हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। अभी दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट। अब इसमें क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे बोला है यह बॉन्ड दो समान और दो विभिन्न परमाणुओं के बीच होता है। अभी यहाँ पे देखिए दोनों होगा, या तो दो समान परमाणु होंगे या दोनों विभिन्न तरह के होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है। तो इसमें यही देखना है, आयोनिक बॉन्ड में सिर्फ एक ही होगा कि वो एक क्या होगा, विभिन्न तरह का होगा, एक जैसा बिल्कुल नहीं होगा, एक तो नॉन मेटल होगा दूसरा मेटल होगा। तो क्वेश्चन आपका याद रखना है उसमें कि जो आयोनिक होता है उसमें एक ही रिएक्शन, दो रिएक्शन होते हैं उसमें, सॉरी एक रिएक्शन कि वो विभिन्न तरह के परमाणुओं के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। लेकिन दूसरा में कोवैलेंट में होगा कि इसमें दोनों तरह का जो परमाणु होगा दोनों के साथ रिएक्शन होगा। पहला कि वो या तो दोनों सेम पदार्थ होंगे, सेम मटेरियल होंगे, या दोनों विभिन्न तरह के मटेरियल होंगे, दोनों विभिन्न तरह के परमाणु होंगे, तभी दोनों के बीच में क्या होगा ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आएगा कि कोवैलेंट में जो परमाणु होते हैं तो किस तरह के परमाणु के बीच में ये बॉन्ड बन सकते हैं, तो या तो दोनों समान होंगे या दोनों विभिन्न होंगे, तो ये दोनों ऑप्शन रहेगा आपके पास, ठीक है। तो बोथ ऑफ दो उसमें लगाना है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं, इनके परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ऑलरेडी हमको पता ही है कि जब भी रिएक्शन होगा तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। लेकिन आयोनिक बॉन्ड में क्या था कि कोई एक जो परमाणु होगा वो अपने से दूसरे को शेयर करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा एक दूसरे को, एक दे सकता है और दूसरा ले सकता है, या दूसरा दे सकता है और पहला वाला ले सकता है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा आदान प्रदान होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में बहुत सारे आपका मटेरियल आ जाएंगे, टूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसका मेन एक जो सुपर एग्जांपल है, हमने बेस्ट एग्जांपल डाला है सेमीकंडक्टर। याद रखना कि कोवैलेंट बॉन्ड का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। कभी कभी ये पूछ देगा आपका, याद रखिएगा एग्जांपल, ठीक है।
अभी हम ना इसका फिगर देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे मेटालिक बॉन्ड पे। फिगर से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सारा का सारा, मैंने पहले भी इमोजी डाला था और अब भी हमने इमोजी डाला है। तो उसमें जो इमोजी था, कोई एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे रहा था, लेकिन इसमें जो है दोनों परमाणु क्या करेगा, आपस में शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को। आप देख रहे हो ये दो इमोजी है, ठीक है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब ये इसके साथ शेयर कर रहा है और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है। तो बेसिक सी बात है कि जब विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा, तो ये क्या होता है, इसी तरह का वर्क वो अंदर में होता है कि अपना एनर्जी चार्ज होता है ना, जो चार्ज होता है आवेश, तो उसमें क्या होता है, अपने एनर्जी को आदान प्रदान करने की वजह से क्या होता है, हमारा जो सर्किट होता है वो चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड को शेयर करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यही दिया हुआ है ऊपर कि देखिए कि H है, ठीक है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से खुद का दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खुद को दे रहा है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे आदान प्रदान की क्रिया चलती रहती है, जिससे जो सर्किट होता है वो क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक ना। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, इसी का है, ठीक है, इसका फिगर है ये। यहाँ पे दिया हुआ है एटम, यहाँ पे नॉन मेटल है और दूसरा एटम दिया हुआ है नॉन मेटल और क्या है, मेटालाइड है। यहाँ पे आपको पता है कि अनपेयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनपेयर का मतलब है कि वो एक तरह का नहीं है, वो अलग अलग तरह का मेटल है, ठीक है। तो अलग अलग तरह का मेटल है, यानी कि एक मेटल ए है और दूसरा मेटल क्या है, बी है, ठीक है, अलग अलग का मेटल। अभी ये दोनों क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद यहाँ पे कोवेलेंट बनाया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ अवेलेबल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या किया है, नॉन मेटल और ये एटम वन और एटम टू एक दूसरे को, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इस तरह से ये फंक्शन वर्क कर रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को, ये फंक्शन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, और इससे एक नया जो परमाणु बन रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड में दिया हुआ है मेटालिक बॉन्ड, यहाँ पे नेक्स्ट में थर्ड में दिया हुआ है मेटालिक बॉन्ड। अरे क्या हो रहा है, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड। अब ये क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड अक्सर धातु में मौजूद रहते हैं, धातु जो भी मेटल होगा, तांबा होगा, लीड होगा, या फिर आयरन होगा, जो भी होगा, तो मेटालिक जो भी मेटल से बना हुआ चीज़ होगा उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है, तो ये एग्जांपल में आप देख रहे हो कि ये प्लस में है, ये भी प्लस और माइनस में है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। तो जैसे कि ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक बॉन्ड शेयर करते हैं, और तब जाके ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है मेटल का, सॉरी इसका ठोस का, ठीक है, मेटल का स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कोवेलेंट और आयोनिक के अकॉर्डिंग से, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेटल, वैसे भी सुनने में लग रहा है कि मेटल क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो इसका जो बॉन्ड होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़े। ओके, आइए अब आगे देखते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है बताने के लिए आप लोग को, इसमें सिर्फ पढ़ाई करना है, इंटरेस्टिंग आगे होगा तो जरूर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आप लोग को दिख रहा है, ये पोर्शन हमने पहले बताया हुआ है, आप लोग को याद है, ये वाला पोर्शन हमने बताया हुआ है पहले भी, ये एग्जांपल है और ओके, याद है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका
परमाणु क्रमांक, ठीक है, क्या होता है ये, क्या है परमाणु क्रमांक, इसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, जेड से। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। जहाँ पे भी एटॉमिक नंबर होगा उसको हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है कि परमाणु क्रमांक परमाणु में स्थित, परमाणु क्रमांक परमाणु में स्थित प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि जो परमाणु क्रमांक होगा वो परमाणु में स्थित जितनी भी प्रोटॉन होगी या जितनी भी न्यूट्रॉन होगी उसकी संख्या क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ हमने लिख दिया है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग को